इस पर क्या कहना है? ठीक है, करते रहे, कौन पूछता नीतीश कुमार। तो आपने सुना, जब उनसे नीतीश कुमार के पीएम पद के दावेदार होने पर सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा कि उनको पहचानता ही कौन है। लेकिन राजनीति भी अजीब चीज है। यही 2012-13 का वक्त याद करिए, जब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सुशील मोदी नरेंद्र मोदी से भिड़ गए थे, क्योंकि जो सुशील मोदी हैं वो जो है आडवाणी ग्रुप से आते थे और उस वक्त ये चाहते थे कि नीतीश कुमार जो है वो पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाएं ताकि एनडीए में जो है बिहार में उनकी सीट खाली हो जाए। और उस वक्त नीतीश कुमार और सुशील मोदी की दोस्ती जो है काफी चर्चा में थी और ये दोस्ती 2020 के विधानसभा चुनाव तक बना रहा। लेकिन जैसे ही 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार कमजोर हुए, उसके बाद सुशील मोदी के साथ भी क्या हुआ ये हर कोई जानता है। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया गया और सुशील मोदी को जो है बिहार की राजनीति से दूर कर दिया गया। पहले जब उनको राज्यसभा मेंबर बनाया गया तब ये लगा कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन अब तक बेचारे में ही चल रहे हैं। और अब सुशील मोदी ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, इसलिए जेडीयू आरजेडी के नेता कई बार कहते हैं कि सुशील मोदी जो बयान दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं ताकि एक बार फिर से मोदी शाह उन पर खुश हो जाएं और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दें। लेकिन अब सुशील मोदी को कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलने वाली है। बता दें कि सुशील मोदी हमेशा जो है नीतीश कुमार को सपोर्ट करते थे और जब तक बीजेपी में सुशील मोदी थे नीतीश कुमार को कोई परेशानी नहीं होती थी और मोदी शाह भी परेशान थे क्योंकि बिहार की जो राजनीति है उसमें नीतीश कुमार के कहने पर ही सुशील मोदी चलते थे। तो बता दें कि एक वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 2012-13 में नीतीश कुमार के लिए पहली बार पीएम मटेरियल शब्द का इस्तेमाल किया था। पीएम मटेरियल ना तो उपेंद्र कुशवाहा ने पहले इस्तेमाल किया ना किसी और ने, बल्कि सबसे पहले इस शब्द का उपयोग जो है नीतीश कुमार के लिए कभी सुशील मोदी ने किया था। वो 2012-13 का वक्त था और यही वजह है कि मोदी की नजरों में आज भी सुशील मोदी खटकते हैं, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी गुजरात की राजनीति से निकल देश की राजनीति में छाने की तैयारी कर रहे थे उस वक्त सुशील मोदी नीतीश कुमार के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े थे और उनको पीएम मटेरियल के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं मोदी की खिलाफत कर रहे थे। लेकिन अब वक्त बदल गया है, सुशील मोदी को राजनीति में कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया गया, इसलिए अब जो है वो लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार हैं, तब कहा कि नीतीश कुमार को पूछता कौन है। लेकिन 2012-13 के बयान अगर निकाल कर आप देखें, यहाँ तक सुशील मोदी के उस वक्त के इंटरव्यूज निकाल कर देखें, तो वो नीतीश कुमार के गुणगान करते नहीं थकते हैं। और उस वक्त जब एक तरफ पीएम मोदी लॉन्च हो रहे थे तो दूसरी तरफ सुशील मोदी अपनी पार्टी के नेता को लॉन्च न करके नीतीश कुमार का खूब महिमा मंडन किया करते थे। हालांकि ये राजनीति है, सब कुछ सियासी फायदे और नुकसान को देखकर ही किया जाता है। आप देखते रहें भारत लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रउआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।